महंगा ट्रिपल मर्डर घटनार तदंत संपर्क में डीजीपी को चिठी लिखिले राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती। राजनैतिक हत्या विरुद्ध कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर श्वेतपत्र माध्यम रे पुलिस प्रकाश करने को से दावी करिछन्ति। महंगा बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्या और सेमान को हत्या कर मुख्य अपराधी प्रफुल्ल विश्वाल सड़क दुर्घटन मृत्युर पुंगानुपुख तदंत करते जाए बीजेपी नेता राजनैतिक हत्यार शिकार होते पुलिस शासक दल चापरे आईन मंत्री को गिरफ्त करने तो दूर कथा तदंत परिसरभुक्त कला महांगा हत्याकांड परे प्रफुल्ल विश्वाल को मंत्री प्रताप जेना अंडरग्राउंड कर रखिथिले। ओडिशा रे अपराध हार वृद्धि पाउछि। गाड़ी दुर्घटना रे प्रफुल्ल विश्वाल को शरीर रे गंभीर आघात लागितबा बेले किभळे तांको बाइक एवं मोबाइल हेलमेट सुरक्षित रहिला ताहा प्रश्न उठाइछंती समीर महांती। एथसहित घटन 12 जन गिरफ होता बेले मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल रहस्यमय भाव में मृत्यु होगा वर्तमान बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछि। एतलारे मंत्री प्रताप जेना ना थिबा बेले पुलिस तांको काहीकि गिरफ करूना बोली मृतक परिवार लोक बारंबार अभियोग कर तेणु घटनार तदंत केते दूर आगे तहार रिपोर्ट देवाई से दावी कर ए बाबद्र अधिक सूचना पाई प्रदीप्त अमर प्रतिनिधि फोन लाइन रे अछंती। प्रदीप्त पूरा घटना रे वर्तमान सुधा कौन से सिद्धांत बा कंक्लूजन रे राज्यवासी पहुंची पाले नाही जे प्रफुल्ल विश्वाल मृत्यु किभली हेला एहा दुर्घटना ना एहा षडयंत्र। अपर पक्ष रे दिव्य सिंह बराल एवं कुलमणि बराल परिवार लोक जो अभियोग आनीथिले एतला देथिले मंत्री ना रे तांको एपर्यंत तदंत परिसरभुक्त मध्य करा जाय नाही। तेबे बीजेपी आगो को एहा को नै कि आहुरी अधिक अड़ी बसिबो बा दाबी जणाइबो बोली सूचना रहिछि कि निश्चित भाव स्पष्ट लगना आप जो कथा कहले राज्य सभापति बीजेपी सभापति समीर महांती डीजीपी को चिट्ठी लिखिंट जे महांगा रे जो हत्याकांड घटी राजनैतिक हत्याकांड घटी तहार तदंत के बाट आगे विशेष भाव में जो मान जो मान ना एतलार दि जाइए अर्थात एफआईआर दि जाइए कार्यानुषान तदंत परिसरभुक्त कर नहीं गोटे श्वेत पत्र जारी करूँ एवं स्पष्टीकरण रखु ओडिशा पुलिस स्पष्टीकरण रखु बोली समीर महांती चिठी लिखी जनाई विशेष भाव आप जो कथा देखी प्रथम रु हिं जे प्रथम कुलमणि बराल जी थे बीजेपी नेता और सहयोगी थे दिव्य सिंह बराल हत्या करागला जानुरी मसरे परवर्त समय किसी दिन आगु आम देखी जे यही घटन मुख्य अभियुक्त बोली कहला जहां एतला दि जाइला प्रफुल्ल विश्वाल मृत्यु रहस्यजनक भाव विशेष भाव जो संपूर्ण घटना रे जी अच्छा आईन मंत्री प्रताप जेना ना प्रथम रु हिं ना एतलारे रही समुदाय 14 जन ना एतलारे रही 13 नंबर अभियुक्त थे मंत्री प्रताप जेना किंतु कहीं वर्तमान सुधा तदंत परिसरभुक्त कराई कारण आम पूर्व अनेक केस देखी जिते बड़े जहां ना एफआईआर हुए तदंत परिसरभुक्त कराए कि आईन मंत्री क्षेत्र में जो आईन रो धारा रही था गोटे प्रकार बाट गणाई आईन मंत्री को ये तदंत परिसरभुक्त कराई एवं जो घटना गुड जो महांगार पॉलिटिकल मर्डर जो राजनैतिक हिंसा राजनीतिक हत्याकांड घटना नुह नुह पूर्वर मध्य एकाधिक राजनैतिक हत्याकांड घटी तेणु दीर्घ दिन धरिकी जो राजनैतिक हत्याकांड गुड़िक वृद्धि पाउछि निहांकि प्रश्नवाची सृष्टि कर मुख्य विरोध दल बीजेपी एवं ता सहित समीर महांती एने चिठी लिखिंट डीजीपी को कारण डीजीपी जिते आंदोलन तीव्रतर होता बीजेपी रो राजनैतिक हत्याकांड को लेकिन से समय से प्रतिश्रुति देते जो 10 दिन भितर आमको 10 दिन समय दिंतु 10 दिन भितर आम आपको यार उत्तर देवु कार्यानुषान नबु कि 10 दिन बीतीगला 10 दिन पर दीर्घ आहरी अनेक दिन बीतीगला कि वर्तमान सुधा आईन मंत्री को ना थे पचरा उचरा कार्यानुषान तदंत परिसरभुक्त कर तेणु ये बड़ प्रश्नवाची सृष्टि जे गोटे प्रकार यही जो घटना को किपर भाव चापी दिजिव आईन मंत्री को सुरक्षा दिजिव से सरकार रीतिमत जो व्यवस्था चल आसी जो पुलिस प्रशासन गोटे प्रकार निदा विष्णु साजिश अर्थात यही जो घटन जिते बड़े प्रफुल्ल विश्वाल घटन फेरार थे अर्थात खोजखबर पुलिस पा ना कहते
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ସେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଗାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା କିଭଳି? ତାହା ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ, ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରୁ କିଛି ବାଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଯାଇଥିଲା ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଦାଗ ଲାଗିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ କିପରି ଭାବେ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସେଗୁଡିକ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲା ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ମର୍ଡର ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଫୋନ କରିକି ସିଏ ଯୋଉ ଝିଅର ପ୍ରାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ସେ କିପରି ଭାବେ ଯଦି ଏଥିରେ କେହି ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନନା ପ୍ରତାପ ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମତେ ଫସାଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ହିଁ ସିଏ ଫୋନ କରିକି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ଅଥଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖା ହେଲେ ବି ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ।